हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 16 मार्च 2019 की प्रीलिम्स एडिटर सीरीज में आपका स्वागत है। सबसे पहले देखते हैं आज के हमारे कुछ क्वेश्चन। पहला जो क्वेश्चन है वो है एशियन डेवलपमेंट बैंक को लेके। काफी बार देखो हम एशियन डेवलपमेंट बैंक को डिस्कस भी कर चुके हैं, तो इसमें हमें 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है वो आइडेंटिफाई करना है। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि है रीजनल डेवलपमेंट बैंक है जिसका हेडक्वार्टर फिलीपींस के मनीला में है। सेकेंड स्टेटमेंट ये कह रहा है कि इसके जो मेंबर हैं वो यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया और इसी के साथ पैसिफिक एंड नॉन रीजनल डेवलप्ड कंट्री हैं वो इसके मेंबर हैं। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे कह रहा है कि इसमें जो वोटिंग राइट है वो 1 member 1 vote, मतलब एक जो मेंबर सदस्य है उसका एक ही वोट सिस्टम होता है इसमें। अब देखो मैं आपको बताऊँ, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है आपने आंसर इसका सोच लिया होगा। इसका जो आंसर है वो यहाँ पे बी सी है, पहला और दूसरा स्टेटमेंट ही सही है, तीसरा स्टेटमेंट गलत है। तीसरा गलत क्यों हम देखते हैं, क्योंकि देखो इसमें जो वोटिंग सिस्टम वो ऐसे है कि जिस कंट्री की जितनी ज़्यादा हिस्सेदारी होगी उसी तरीके से वोटिंग का इसमें डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या गया है, मतलब जितनी उसने कैपिटल या अपनी एक तरीके बोल सकते हो कि जितना उसने प्रपोर्शन डिसीजन दे रखा है, उन्होंने कैपिटल सब्सक्रिप्शन दे रखा है उसी तरीके से उनका डिसीजन होगा। जैसे मान लो कि किसी कंट्री ने ज़्यादा पैसे दे रखे हों तो उसके पास ज़्यादा वोटिंग है वो रहेगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे है वेस्ट नाइल वायरस को लेके। तो वेस्ट नाइल वायरस है इसके बारे में स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे ये कह रहा है कि बर्ड्स है वो इसके नेचुरल होस्ट होते हैं इस वायरस की। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे कह रहा है कि ये बेसिकली जो एनाफ्लीज मॉस्किटो एनाफ्लीज जो मच्छर होता है उसकी वजह से फैलता है, मतलब मोस्ट कॉमनली, ओनली नहीं इसने कह रहा है मोस्ट कॉमनली, मतलब नॉर्मली इसकी वजह से ज़्यादा फैलता है। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे कह रहा है कि इसका कोई वैक्सीनेशन है वो अभी तक अवेलेबल नहीं है। अब देखो हमें यहाँ पे पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट, और हम बात करें करेक्ट स्टेटमेंट की तो देखो उसके बारे में थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। अभी ये न्यूज़ में अभी वैसे वेस्ट नीले वायरस है वो न्यूज़ में अभी इसलिए है कि इंडिया में इसका केरल के अंदर अभी एक विक्टिम या बोल सकते हो कि एक रोगी है वो अभी आइडेंटिफाई किया गया है। होता क्या है कि अगर वेस्ट नीले वायरस से कोई भी पर्सन इफेक्ट होता है तो उसको हल्की बुखार है, कई बार तो लक्षण का पता भी नहीं चलता है। देखो आपने एक चीज़ बताऊँ एक्स्ट्रा, आपने कभी ये चीज़ नोट की है कि इंडिया में जब भी कोई नया वायरस या कुछ भी नई चीज़ आती है वो नॉर्मली केरल में ज़्यादा आती है? क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि केरला के जो लोग हैं या केरला में मैक्सिमम पीपल हैं वो काफ़ी, मतलब वहाँ पे माइग्रेंट्स लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा बाहर रहते हैं, या फिर हम बोलते हैं कि वहाँ के इमिग्रेंट्स हैं वो भी बाहर वगैरह रहते हैं, आना जाना होता है, तो इसलिए वहाँ पे डिजीज आने के चांसेस हमेशा ज़्यादा ही होते हैं मोस्ट कॉमनली। तो आप इस फैक्टर का यूज़ एग्जाम में कहीं ना कहीं, मतलब अगर आपको ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा हो तो वहाँ आप इसका यूज़ है वो कर सकते हो कि नॉर्मली जो डिजीज़ है वो वहीं पर आइडेंटिफाई नहीं की जाती है। अब देखो जो वेस्ट नीले वायरस ना ये वैसे तो अमेरिकन कंट्रीज में ज़्यादा होता है, मतलब देखा जाए यूएसए वगैरह में ज़्यादा होता है, इंडिया में इसका पहली बार ऐसा केस है वो देखा गया है। और इसमें जो ये मच्छर की बात की गई है ये बेसिकली एनोफ्लीज मच्छर नहीं है, ये मच्छर है उसका नाम है यहाँ पे क्यूलेक्स, जो क्यूलेक्स मॉस्किटो होते हैं इस प्रजाति की वजह से, मतलब ये इसके वाहक होते हैं जिसमें ह्यूमन में फैलता है। अब होता क्या है जैसे कि मच्छर हो, मान लो कि कोई भी मच्छर उस अगर इफेक्टेड है, अगर वो किसी पक्षी वगैरह को भी काटता है तो पक्षी में फैल जाता है और फिर पक्षी के थ्रू या फिर किसी और मेथड के थ्रू ये इंसान में इंटरफेरेंस वो कर सकता है। तो मेनली ये पक्षियों के द्वारा ज़्यादा फैलता है और मच्छर भी इसके वाहक है वो होते हैं। अभी तक इसका कोई भी ट्रीटमेंट या वैक्सीनेशन है वो अवेलेबल नहीं है, तो ये कुछ फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं कि मॉस्किटो हो या बर्ड्स हो उनकी वजह से फैलता है और नॉर्मली ये वायरल इन्फेक्शन के नाम से भी जाना जाता है और इंडिया में मेनली ये अनकॉमन है, अभी इसका केस है वो देखा गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है यहाँ पे MPATGM को लेके। हमें पूछा है कि करेक्ट स्टेटमेंट नहीं, मतलब गलत स्टेटमेंट हमें आइडेंटिफाई करना है। MPATGM का मतलब है यहाँ पे मेन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। अब देखो आप चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़ना और हमें यहाँ पे गलत स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। अब आप एक बार देखिए, पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि स्वदेशी है और DRDO ने डेवलप किया है। दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि ये जो फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल पे काम करता है और इसका लो वेट है सिस्टम में, ठीक है। अब एक बार आप तीसरे स्टेटमेंट को पढ़िए और फिर आप देखिए कि तीसरा स्टेटमेंट सही है या गलत है। आई होप आपने देख लिया होगा। देखो तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि माउंटेड ऑन टरा ट्रक, मतलब ट्रक के ऊपर ये माउंट या ट्रक के ऊपर ये लगाया हुआ स्थापित होता है और फिर ये फायर वो करता है। देखो यहाँ पे है क्या ही मैन पोर्टेबल, मतलब ये मैन है वो अपने कंधे पर रख के चलाता है, तो भाई ये तीसरा स्टेटमेंट तो साफ साफ गलत हो गया और हमें गलत ही पूछा, इसका मतलब इसका आंसर सी है वो हो जाएगा। देखो इस तरीके से काफी स्मार्ट तरीके से हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है NMSHE को लेके, यानी नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम।
पहला स्टेटमेंट यह कह रहा है इसके सामने कि यह जो 8 मिशन है ना एनएपीसीसी यानी नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के 8 मिशन है, उनमें से एक मिशन है ये। दूसरा स्टेटमेंट यह कह रहा है कि जो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज है ना, इसके तहत जो मिशन है ना उसमें से केवल या ओनली एकमात्र ऐसा मिशन है जो ज्योग्राफिकल फोकस करता है, ज्योग्राफी को लेकर मतलब ये मिशन है। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे ये कह रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है वो इसको कोऑर्डिनेट करती है और वो इसको इम्प्लीमेंट है वो करेगी। हमें पूछा है यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट। अब देखो मैं आपको बता दूं, जो नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम है ये बेसिकली हिमालयन इकोसिस्टम को सस्टेन करने के लिए है। अब आपको पता है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत इंडिया में 8 छोटे छोटे मिशन है वो रखे गए हैं, जिसमें सोलर एनर्जी को भी प्रमोट करना अलग अलग है, वो हम इन्वायरमेंट के टॉपिक में डिस्कस है वो कर लेंगे। तो एनएपीसीसी के तहत जो 8 मिशन है उनमें से एक मिशन है यह है, बिल्कुल सही है पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है कि देखो वैसे तो ओनली के स्टेटमेंट मैक्सिमम गलत होते हैं, बट यहाँ पे ये स्टेटमेंट सही है। क्यों? क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए कि नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज है उसके तहत केवल एकमात्र ऐसा मिशन है जो ज्योग्राफी को फोकस है वो कर रहा है। लेकिन और लेकिन तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। क्यों? क्योंकि है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ना कि अर्थ एंड साइंस मिनिस्ट्री। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो मिनिस्ट्री है उसके द्वारा कोऑर्डिनेट किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे वो यहाँ पे पूछा गया आपको यूनिटिंग फॉर कंसेसनेस ए मूवमेंट के बारे में। तो देखो ये पूछा कि ये मूवमेंट है ये किससे रिलेटेड है। पहला आपके ऑप्शन आपने क्योटो प्रोटोकॉल, दूसरा है बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन, तीसरा है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, चौथा है नन ऑफ द अबव। अब मैं आपको बता दूं, आपने कॉफी क्लब का नाम सुना होगा। देखो आपको खैर बताता हूँ इसके बारे में बैकग्राउंड थोड़ा। जिस तरीके से आपको पता है कि इंडिया है, ब्राजील जैसी कंट्रीज हैं, वो यूनाइटेड नेशन के जो सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट के लिए बात है वो बार बार कर रही होती हैं। तो कुछ कंट्री ऐसी भी हैं जो इंडिया और ब्राजील जैसे कंट्रीज का विरोध भी करती हैं, मतलब इनके अगेंस्ट काम करती हैं। उस क्लब को या उन कंट्रीज के ग्रुप को मेनली कहा जाता है कॉफी क्लब, ये आपको ध्यान में रख रहे हैं। और उन कॉफी क्लब कंट्रीज की है मूवमेंट है, तो इसलिए इसका आंसर है वो आपको समझ में आ गया होगा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल वाला का सीन है। तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे वो आया है MEIS यानी कि मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम के बारे में। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है कि इंडिया के जो एक्सपोर्ट है सामान को, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट को, उसके लिए प्रमोट करने के लिए स्कीम है ये। दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि यह जो स्कीम है वो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के द्वारा इंप्लीमेंट की जाएगी। देखो यहाँ पे हम बात करें तो दोनों स्टेटमेंट है वो सही है, लेकिन आपको एक फैक्ट और ध्यान में रखना है, वो ये है कि गवर्नमेंट की एक पॉलिसी आई थी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015 से 20 तक की, उस पॉलिसी का यह MS जो है ना MEIS ये एक अहम पार्ट है। तो ये फैक्ट आपको एक पता होना चाहिए, यूपीएससी इसके बारे में भी पूछ सकती है। नेक्स्ट जो हमारा आज की न्यूज आर्टिकल हुआ है इंडिया एनर्जी मॉडलिंग फॉर्म को लेके। कंटेक्स्ट यह है कि अभी रिसेंटली नीति आयोग और यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी USAID इन दोनों ने मिलकर फर्स्ट वर्कशॉप है इंडिया के अंदर एनर्जी मॉडलिंग फॉर्म को वो आयोजित की है। यह है बेसिकली कंटेक्स्ट, आपको ध्यान में रखना है USAID और नीति आयोग इन दोनों की कोलैबोरेशन से यह पहली फॉर्म जो एक तरीके से फॉर्म है वो आयोजित की गई है। इसका काम क्या है? देखो नाम से आपको दिख रहा होगा कि एनर्जी मॉडलिंग फॉर्म मतलब एनर्जी को प्रमोट करने के लिए सस्टेनेबल ढंग से एनर्जी यूज करनी है, इसके साथ ही हमें कोऑर्डिनेशन भी बहुत जरूरी है, कोऑपरेशन की जरूरत है, इन सब के लिए नॉलेज पार्टनर हुए जो थिंक टैंक है, अपनी कैपेसिटी बिल्ड करनी है इंडिया को, इन सारे इश्यूज पर डिस्कस करने के लिए ये प्लानिंग करने के लिए ये फॉर्म है वो आयोजित किया गया है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है सीवीड। वीड का मतलब क्या होता है? देखो वीड का मतलब होता है मेनली घास, सी का मतलब समुद्री घास की बात की जा रही है। देखो आपने कभी भी समुद्र वगैरह में आप देखा होगा कि जो चट्टान वगैरह होती है उन पे क्या काई सी जमी रहती है एक तरीके से, जो हरी हरी छोटी छोटी घास सी होती है, उसमें काफी सारे न्यूट्रिशंस होते हैं और उसी को सीवीड के नाम से जाना जाता है, जो कि समुद्र में काफी भारी तादाद में पाई जाती है। तो इसे मेनली मरीन माइक्रो एल्गी के नाम से भी जानते हैं। एक तरीके का प्लांट ही होता है जो कि रॉक के या जो चट्टान होती हैं, हार्ड सब्सटेंस होते हैं, मतलब जो कठोर चीजें होती हैं समुद्र के आसपास किनारे वाले एरिया में, उनके साथ ही बनी हुई होती हैं या उनके भी मेनली उगी हैं। और ये आपको ध्यान रखने में काफी भारी मात्रा में न्यूट्रिशंस होते हैं, इसीलिए फूड सिक्योरिटी में इनका काफी अहम रोल है वो होता है। जापान चाइना जैसी कंट्रीज हैं वो इसका फूड के तौर पर भारी बड़ी मात्रा में यूज करते हैं, और बाकी इधर कंट्रीज भी। जो सीवीड होती है इसमें विटामिन ए सी और सी भी भारी मात्रा में पाए जाते हैं। इसके साथ मिनरल्स की बात करें,
कैल्शियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, जिंक हुआ, एफ मतलब यहाँ पे लोहा हुआ, ये काफी सारी चीजें यहाँ इसमें भारी मात्रा में पाई जाती हैं। इंपॉर्टेंट बात एक और ये है कि इसमें प्रोटीन भी होता है, ओमेगा होता है, ओमेगा 3 और ओमेगा 6 जो फैटी एसिड होते हैं वो भी पाए जाते हैं, तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। ये बेसिकली देखो उसमें कंटेक्स्ट ये था कि लगभग 844 जो ये समुद्री घास की स्पीसीज है ना वो भी रिपोर्ट की गई है इंडिया के द्वारा, जो इंडिया का कोस्टल एरिया जिसकी लेंथ है 7500 किलोमीटर उस एरिया तक। तो ये थोड़ा कंटेक्स्ट था हमारे लिए, सी वीड्स इंपॉर्टेंट है तो ये आपको फैक्ट ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट देखो हमने कल एक आर्टिकल डिस्कस किया था ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स, ये आप किसके द्वारा जारी किया जाता है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। इसी की तरह एक और है जिसको हम आपको आज यहाँ डिस्कस करेंगे, वो है यहाँ पे एक सेकेंड कहाँ गया, हाँ अब जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे लिविंग रैंकिंग 2019। देखो जो क्वालिटी ऑफ लिविंग रैंकिंग है 2019 ये एक मर्सर कंपनी है उसके द्वारा भी रिलीज है वो की गई है। पहले तो हम थोड़ा मर्सर के बारे में देखते हैं, जो मर्सर जो कंपनी है ना वो ग्लोबल एक कंसल्टिंग फॉर्म है, उसके द्वारा यह इंडेक्स वो जारी किया गया है या रैंकिंग जारी की गई है। ऐसा नहीं है कि यह रैंकिंग पहली बार जारी की गई है, ये इसका 21वां एडिशन है। कितनी सिटीज है इसमें वो तो कुछ काम का हमारे लिए नहीं है। इसके कुछ फैक्ट हैं वो एक्चुअली जो कल हमने आर्टिकल डिस्कस किया था ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स वाला उसकी तरह कुछ सेम है। जैसे कि इसमें जो वियना है सिटी है इसको टॉप रैंकिंग में रखा गया है कि वियना बहुत ही रहने के लिए अच्छी सिटी है। इसके साथ ही यहाँ पे बात यहाँ पे ये की गई है इसके अंदर कि जो लुक्सेमबर्ग एक सिटी है, एक्चुअली एक कंट्री है बेसिकली यूरोप में, इसकी आप लोकेशन देखना कहाँ पे है, फ्रांस और स्पेन और जर्मनी के आसपास इसकी लोकेशन है। उस लुक्सेमबर्ग जो सिटी है इसको वर्ल्ड की सबसे सेफेस्ट सिटी का अवार्ड है वो दिया गया, मतलब यह सिटी है वो सबकी सबसे सेफ सिटी है पर्सनल सेफ्टी के मामले में। इसके साथ ही जो लंदन है उसको बेसिकली यूके की सबसे बेस्ट सिटी है रहने के लिए वो बताया गया है। और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में चेन्नई है उसको 105वीं रैंकिंग मिली है, और यहाँ पे बात करें हम बेंगलुरु की तो उसको मिला है 149वां नंबर। तो ये कुछ थोड़े से फैक्ट हैं, तो दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। लिविंग रैंकिंग है वो जारी की गई है मर्सर के द्वारा, और जो ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स है वो जारी किया गया है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। तो ये थोड़े आपको फैक्ट ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल हमारा वो है क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स। क्या है ये? देखो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है ना उसके द्वारा हमारे देश में जो अभी आगे आने वाला टाइम है उसमें जो क्लाइमेट संबंधी जो भी रिस्क हैं उनकी स्टडी करने के लिए, उनको आंकड़े उनको खंगालने के लिए एक स्टडी है वो की गई है, और उसी से एक इंडेक्स दिया गया है जिसका नाम है क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स। अब है क्या इसमें? इसमें बेसिकली वो कंट्री मैली सोच 12 स्टेट को काउंट किया गया है जो कि हिमालय वाले एरिया में है। देखो इस रिपोर्ट या इस स्टडी में ये चीज़ सामने आई है कि जो हिमालय वाला या हिमालय के जो टच वाले स्टेट है ना उनमें क्लाइमेट बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है और इसका बहुत बड़ा इफेक्ट है वो देखा जा रहा है। तो इसमें इस इंडेक्स में बेसिकली ये चीज़ सामने आई है कि आसाम है जो असम जो स्टेट है वो सबसे ज़्यादा क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स में नंबर 1 पे उसको रखा गया है। ये देखो इसमें 0 से लेकर 1 तक की रैंक 0 से लेकर 1 तक स्कोर मिलता है, जितना ज़्यादा स्कोर है इसका मतलब वहाँ पे उतने ही जोखिम ज़्यादा है। सबसे कम सिक्किम को रखा गया, तो एक बार आप थोड़ा सा देख लेना कि आसाम है उसकी हालत ज़्यादा ख़राब बताएगी भाई, वहाँ पे क्लाइमेट का बहुत बुरा इफेक्ट है वो पड़ रहा है। और इसी के साथ ही बात करें सिक्किम की तो वहाँ पे क्लाइमेट जो चेंज है उसका इफेक्ट है वो कम हो रहा है। तो ये कुछ आपको फैक्ट ध्यान रखने हैं। आसाम के साथ मिजोरम की हालत भी ऑलमोस्ट वैसी है, ज़्यादा ही ख़राब है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये जो स्टडी है फिर जो वल्नरेबल जो इंडेक्स है ये जारी किया गया है IITs इंडिया की वेरियस IITs और इसी के साथ ही IISc बेंगलुरु इनके द्वारा। तो ये कुछ फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं कि IISc और जो IITs हैं इंडिया की उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर ये किया है इंडेक्स या इंडेक्स जारी किया, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है जो नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो मर्सर को लेकर थी, उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो कह रही है नहीं, एक बार देख लेते हैं कि जो मर्सर का जो लिविंग रैंकिंग जारी की गई थी क्वालिटी ऑफ लिविंग रैंकिंग, इसमें कौन कौन से पैरामीटर होते हैं? तो देखो पैरामीटर तो वही हैं कि पब्लिक सर्विस और ट्रांसपोर्ट कैसा है, सोशल कल्चर इन्वायरमेंट कैसा है, स्कूल एजुकेशन है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट बात होगी, इसके साथ ही मेडिकल हेल्थ हो गया, इसके साथ ही नेचुरल इन्वायरमेंट हो गया, हाउसिंग हो गया, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट हो गया, जो यहाँ पे कंज्यूमर गुड्स अवेलेबिलिटी, इन पैरामीटर्स के आधार पर इंडेक्स है वो जारी किया जाते हैं। तो ये थी आज की हमारी डिस्कशन, तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।